हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लीजिए हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर स्टैटिक जीके के ताबड़तोड़ प्रश्नों को बिल्कुल हल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उठो लाल, अब आँखें खोलो और जीके जीएस लाया हूँ, सिलेक्शन ले लो। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता या जनक किसे माना जाता है? दोस्तों मेरे टिक बताने से पहले, ऑप्शन बताने से पहले आप मन में गैस करेंगे, जिससे कि आपका याद करने की क्षमता और भी बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन 2 की ओर। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? दोस्तों यूएनओ की स्थापना सन 1945 में करी गई थी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 24 अक्टूबर सन 1945। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब करी गई? चलिए दोस्तों ऑप्शन गैस करिए। तो 1956 में देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा स्थापित किया गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर आप बताएंगे। चलिए तो जो एक्चुअली इससे रिलेटेड दोस्तों जो है पंचवर्षीय योजना आप जानते होंगे, 5-ईयर प्लान कमीशन, जिसे अब हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो उस पर जो जो भी योजना बनती थी उस पर स्वीकृति कौन देता था? तो इसका आंसर सही आपको गैस करना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जो थी वो इस पर क्या प्रदान करती थी? स्वीकृति। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गैस करेंगे इसका ऑप्शन सभी लोग, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 5, सॉरी मतलब पंचवर्षीय योजना 5, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर गैस करेंगे। तो सन 2012 से सन 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। और इसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों रमन अनुसंधान केंद्र स्थापित है ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर में, यह आपका सही उत्तर हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर तो दोस्तों बताएंगे। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सन 1948 में कर दी गई। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों इसी तरीके से रोज प्रैक्टिस सेट करते रहिए, अपनी जीके को स्ट्रांग बनाते रहिए। ऐसी क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारी जल D2O की खोज किसने करी थी? सही ऑप्शन दोस्तों गैस करेंगे आप लोग, तो HC यूरे, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इन्होंने भारी जल D2O की खोज करी थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि 1945 में, ठीक है ना, 24 अक्टूबर के दिन UNO की स्थापना करी गई, तो उसी दिन से इसमें संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर इज योर राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आने वाला प्रश्न है, सही उत्तर गैस करें आप सभी लोग, ठीक? तो त्रिग्वेली जो थे वो UNO महासभा के प्रथम महासचिव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर सभी लोग दोस्तों बताएंगे, गैस करेंगे, ठीक है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मेरे बच्चों ट्रांबे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। UNO की कार्यकारी भाषा कौन सी है? चलिए दोस्तों बताइए UNO की कार्यकारी भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर गैस करें अपन लोग। तो देखिए अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी दो कार्यकारी भाषा हैं, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।
क्या मेरे बच्चों सभी को बहुत मजा आ रहा है? चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल रही थी? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर गैस करें अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये पूरी तरीके से दोस्तों कैसी रही? असफल रही। चलेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए इसका सही उत्तर गैस करेंगे सब लोग। तो नीदरलैंड द हेग में इसका मुख्यालय है दोस्तों, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर गैस करेंगे दोस्तों, हमारे देश की आन बान शान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में दोस्तों कितने सदस्य हैं? 193 यूएनओ में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। चलिए दोस्तों दक्षिणी सूडान इसका अंतिम सदस्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सभी इसका उत्तर गैस करिए सभी लोग दोस्तों। चलिए तो कल्पक्कम में इसका सही है, ये स्थित है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो कितने वर्षों का अस्थाई लोगों का मतलब अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल? 2 वर्षों का दोस्तों, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है, गैस करेंगे तो ऑप्शन सी 15 सदस्यीय देश होते हैं सुरक्षा परिषद में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि आज का जो सेट पेपर है वो मोस्टली यूएनओ यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय महासभा पर आधारित है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर और परमाणु ऊर्जा पर, तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे दोस्तों, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? चलिए दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, तो ऑप्शन डी राजस्थान इज योर राइट आंसर। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर राजस्थान में स्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन गैस करेंगे दोस्तों, तो पोखरण राजस्थान में इसका विस्फोट परीक्षण किया गया, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गया कि आप बताएंगे कि पता चला कि हर एग्जाम में आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, हेरार डोमर मॉडल पर, ठीक है ना दोस्तों, पहला हेरार डोमर मॉडल पर था और दूसरी पीसी महालोबेस पर था। चलेंगे ऑप्शन ए पर लगा देंगे टिक, तो पहला पंचवर्षीय योजना हेरार डोमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है दोस्तों? ठीक, तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना है बच्चों, तो सुरक्षा परिषद जो है वो दुनिया की पुलिसमैन होती है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों देखेंगे कि भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, गैस करिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का, तो नांगल पंजाब में पहला भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था दोस्तों, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए टिक लगाइए ऑप्शन डी पर। चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 मेरे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? चलिए दोस्तों गैस करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मेरे बच्चों होती है 15, कितनी होती है? 15, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों वीटो पावर
का प्रयोग करने वाला जो देश सर्वाधिक करने वाला देश है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप बताएंगे तो आंसर हो जाएगा रूस। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बान की मून किस देश के निवासी हैं? बान की मून किस देश के निवासी हैं दोस्तों? सही उत्तर बताएंगे आप सभी लोग तो ये कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों सभी लोग गैस करिए। चलिए ठीक, तो काकरापारा परमाणु केंद्र जो है, रिएक्टर केंद्र, वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया? तो वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों किसने किया था? तो अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इज योर राइट आंसर। वीटो पावर का प्रयोग करने वाला पहला देश यूएनओ में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है, इसका सही आंसर बताएंगे तो 9 वर्षों तक न्यायाधीश इसमें कार्यरत रहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए भी, तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो हैं वो पहली महिला जो थी, ठीक है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की करी गई। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बच्चों। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों कि यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप गैस करिए। तो 6 अंग जो हैं वो यूएनओ के 6 भाग हैं, 6 अंग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन गैस करेंगे तो 5 सदस्य जो होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्थायी सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद में होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बच्चों। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? स्थायी 5 हो गए, अस्थायी कितने होंगे गैस करेंगे। चलिए तो 10 सदस्य जो हैं दोस्तों क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोग रेगुलर एसी क्लासेस के स्टैटिक जी के सेट को कम फॉलो कर रहे होंगे। प्रातः 6 बजे की पाठशाला, रोज़ एक सेट पेपर 6 बजे अपलोड होता है दोस्तों। 6 बजे आपके पास कोई काम नहीं होता, आप सोकर उठते हैं, बढ़िया मोबाइल उठाइए, तुरंत 10-15 मिनट में आपके 40-50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं दोस्तों। अपने समय का यूज़ करें, ठीक है ना दोस्तों, अपनी जीके को स्ट्रांग बनाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप कितने अच्छे जीके आ जाती है आपको। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 36 का सही ऑप्शन बताएंगे दोस्तों, तो अधिकृत भाषाओं की संख्या दोस्तों जो है वो ऑप्शन डी 6 हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अपना सजेशन दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि हम क्या सुधार करें जिससे आपको और भी अच्छा लगे, चलिए हम आपकी ज़्यादा मदद कर सकें। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया दोस्तों? चलिए तो भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण जो है वो ऑपरेशन शक्ति जो किया गया दोस्तों, ठीक है ना, तो कब किया? 1998 पोखरण में किया गया दोस्तों। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मेरे बच्चों, और इसका सही उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि चुखा किन देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है दोस्तों? चलिए बताएंगे चुखा, तो चुखा मेरे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। भारत एवं भूटान की मिश्रित जल विद्युत परियोजना है। चलिए दोस्तों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आई होप आज का सेट पेपर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपकी जीके स्ट्रांग होती जा रही है। चलिए दोस्तों अपनी तैयारी को ऐसे ही जोरों शोरों पर रखें। मैं पंकज कुमार कल फिर मिलता हूँ आपसे नए सेट पेपर के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच। कीप लविंग एससी क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।